जय हो कार्तिकेय भगवान की जय। तो अभी हम बैठे हैं क्रॉन्च पर्वत पर। हाँ, पीछे है महाराज कार्तिकेय का मंदिर। और आज विकास सर और मैं आए थे कार्तिक स्वामी के दर्शन करने और भगवान। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कनक चौरी से और हम जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर। जो कार्तिक स्वामी मंदिर है वो पोखरी रोड पे स्थित है, जिसकी डिस्टेंस रुद्रप्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और ये इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, वो 3050 मीटर की मीटर है इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। और क्रॉन्च पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है वो भगवान कार्तिकेय के बाल स्वरूप को समर्पित है। तो आपको चलिए दर्शन कराते हैं आपको कार्तिक स्वामी मंदिर के। मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपने यात्रा की। गेट है पीछे और यहाँ से हम पैदल चलेंगे। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो कर लेते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। तो ये रहा गेट और यहाँ से हमारी जो है यात्रा यानी ट्रैकिंग शुरू हो रहा है। और हम इधर की तरफ जाएंगे और कार हमने काफी पीछे पार्क करवा दी है। और ये रहा, यहाँ भी पार्किंग है बाइक स्कूटी के लिए, ये देखिए। तो ये है कार्तिक स्वामी जाने का रास्ता। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि घोड़े से मंदिर जाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं जो पैदल नहीं चढ़ पाएगा। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। कुन्नू, तुम लोगों ने टॉयलेट करनी है, इधर इधर चलो। अरे अरे दूर नहीं, मैं दूर कितने दे खोला भी है। मैं मम्मी बाल गाइस, ये रहे बांज बुरांस के जंगल जा रही है। किट्टू भी जा रही है कार्तिक स्वामी के दर्शन करने। किट्टू भी काफी एक्साइटेड है। ये हैं हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे साथ आए हैं कार्तिक स्वामी। और इसमें एक ब्लॉगर भी है। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल नहीं है। नहीं है, अभी तो कह रहा था। यहाँ पे है थोड़ा सा स्टे बैठने के लिए और ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ छाया में बैठे हुए नीचे जो हमारे साथ आए थे। ये पिला रही है किट्टू को फ्रूटी। ये खा रहे हैं यहाँ पर टकाटक। क्या खा रहे हो? टकाटक प्यारी चली पूर्व खेतों।
किसका मिला बिस्कुट ये है भापिया विकास सर। तो फाइनली हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहां से स्टार्ट होता है सीढ़ीनुमा रास्ता। रुक जाओ यार, एक मिनट है, बजाना मैं यहाँ। हम भी अपना चैनल बनाएंगे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हमारा चैनल का नाम होगा त्रिटक। तो फ्रेंड्स, यहां से अब सीढ़ीनुमा रास्तों से हम सीधे मंदिर की ओर जाएंगे और यहां देख सकते हैं काफी बड़ी चट्टान, और फाइनली हमने क्रॉन्च पर्वत पर एंट्री कर ली है। महादेव पे भैया भी आ रहा है। चलो 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 चलो, नींद पड़ेगी बच्चों को भी। जवाब दे दिया मेरे पैरों ने। जी अब नहीं चलने भी ऐसे तो गाइस, कॉन्च पर्वत से नीचे का चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दृश्य हमारी देवभूमि उत्तराखंड से। और ये है कॉन्च पर्वत और हम भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जस्ट पहुंचने ही वाले हैं अब, और हमारे काफ़ी सहयोगी आगे निकल गए हैं। आराम से सर, वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो बंदी देखिए ओखलिया है ना, विकास इधर इधर और फ्रेंड ये सामने है क्रॉन्च पर्वत। फाइनली हम कार्तिक स्वामी के मंदिर में पहुंचने वाले हैं और पीछे हैं सीढ़ियां और यहीं से हम ऊपर चढ़ के जाएंगे और टॉप में जो है वहां कार्तिक स्वामी का मंदिर है। तो हम जा रहे हैं हल्के हल्के कदमों से मंदिर की ओर। आजा जूते पहन ले बस, आजा। फाइनली पहुंच गए हम कार्तिक स्वामी मंदिर में।
बधाई हो। तोड़ के ना थोड़ा पहले भगवान को चढ़ाएंगे। जय हो कार्तिकेय भगवान की जय। जा माता जी को ले। जय स्वामी महाराज। उठा उसको उठा उठा ये तुम्हारे ये आदि मौसी का है ये मैंने दिया है अभी ये भाई हमारा है हो गए। जय हो कार्तिक स्वामी महाराज की। तो अभी हम बैठे हैं क्रॉन्च पर्वत पर। हाँ पीछे है महाराज कार्तिकेय का मंदिर और आज विकास सर और मैं आए थे कार्तिक स्वामी के दर्शन करने और भगवान के दर्शन हमने कर लिए और यहाँ पे चाय पी रहे थोड़ा। और चारों तरफ का व्यू भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए चारों तरफ काफ़ी हाइट पे है सबसे टॉप में। तो ये है क्रॉन्च पर्वत ऊपर। अभी मैं मंदिर भी दिखाऊँगा। वैसे देख लिया होगा आपने पहले ब्लॉग में। तो ये है कार्तिक स्वामी की सीढ़ियाँ और ये है क्रॉन्च पर्वत। देख सकते हैं कितनी हाइट पे है ये।